अलीगढ़ में मैरिस रोड स्थित एक होटल में किसान आंदोलन को लेकर व सतपाल मलिक मामले को लेकर वरिष्ठ सपा नेता व पूर्व सांसद चौधरी बिजेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने देश में हो रहे भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है, इसी वजह से अब उनका पीछा किया जा रहा है। उनके पीछे सीबीआई तक लगा दी है, जो गलत है। उन्होंने किसान आंदोलन पर कहा कि केंद्र सरकार आखिर क्यों एमएसपी तय नहीं कर पा रही है। जनता से आह्वान है कि जाति धर्म और लालच से ऊपर उठकर वोट की ताकत का सही इस्तेमाल करे। ये बड़ा अहम मसला है। मर्यादाओं से बनी हुई भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान ये देश की जनता की अदालत को बताए कि आखिर क्या कारण है कि देश के किसानों को फिर दिल्ली में एक आंदोलन करना पड़ रहा है एमएसपी के लिए, जिसमें 4 लोग पुलिस की गोली से अब भी मर चुके हैं। इससे पहले भी 13 महीने लगातार आंदोलन चला। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया था उनको कि हम आपको एमएसपी का टारगेट देंगे। अब प्रधानमंत्री से बड़ा पद तो देश में लोकतंत्र में कोई होता नहीं है। उन्होंने विश्वास किया, अपने घर को चले गए, फिर उनके साथ वादा खिलाफी, झूठ की पराकाष्ठा, तो उन्हें फिर अपनी ताकत का इजहार करना पड़ा आंदोलन के रूप में दिल्ली में। ये पूरे देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया में हमारे लोकतंत्र के लिए शर्मसार कर रहा है। क्या ऐसी खासियत है जो उनको हम स्पिरिट को देने में प्रधानमंत्री जी उनको कोताही बरत रहे हैं? देना चाहिए। एक दूसरा बहुत अहम मसला है, प्रधानमंत्री मान नरेंद्र मोदी जी ने सतपाल मलिक जी को अपनी पार्टी में गवर्नर बनाया था और जम्मू कश्मीर जैसा प्रदेश दिया गया था कि वहां काम करें। एक हाइड्रो पावर प्लांट था, उसमें उन्होंने बड़ा उजागर कर दिया। प्रधानमंत्री खुद आके बताया कि मुझे 300 करोड़ रिश्वत दी जा रही है। मैंने उस फाइल को रिजेक्ट कर दिया। तो कोई गुनाह तो किया नहीं उन्होंने, कोई गलत काम तो किया नहीं। जिस ईमानदारी के लिए राजा हरिश्चंद्र ने शतयुग में अपने राजपाट को दांव लगा दिया था, अभी अयोध्या में भगवान श्री राम की मर्यादाओं के लिए कसम खाई है लोगों ने कि उन्होंने अपनी ईमानदारी उसके लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया, तो आज सरकार के मुखिया क्यों नहीं इस बात को कहते हैं कि सतपाल मलिक कई बार के विधायक, सांसद और मंत्री रहे हैं, गवर्नर रहे हैं, आखिर उन्होंने क्या गुनाह किया है? अगर उन्होंने ईमानदारी से काम करने की शपथ खाई थी तो ईमानदारी से काम किया तो उनको पुरस्कार देना चाहिए। उन्हें हटा दिया गया और जब बार बार वो देश के लोकतंत्र के सामने दुहाई दे रहे हैं, देश के सामने जनता की अदालत में अपनी बात कह रहे हैं, बड़ी सफाई और ईमानदारी के साथ कह रहे हैं, और उनकी कमर थपथपाना, उनको ईमानदारी का पुरस्कार देना तो दूर। आज बेचारे शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, 4-5 दिन से हॉस्पिटल में, उनके घर सीबीआई का छापा डाल दिया गया। पूरा देश शर्मसार हो रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया पूरे देश और दुनिया को कहते हैं कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र ईमानदारी के साथ चलता है, संवैधानिक रूप से एक व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ है, आज सारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त करते हुए चंद उन बेईमान उद्योगपतियों का साथ दे रहे हैं जिन्होंने किसानों, मजदूरों, नौजवानों का भविष्य अंधकार में ढकेल दिया है, पूरे देश के सारे संस्थानों की जमीन को कौड़ियों में खरीद लिया है। आज उन्हीं लोगों को बचाने के लिए एक अच्छे राजनेता के साथ यह व्यवहार, उसके साथ खिलाफ ये झूठी कार्रवाई कभी जनता की अदालत स्वीकार नहीं करेगी। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बड़ी स्पष्ट कह देना चाहता हूं, अब वो समय आ गया है। एक सतपाल मलिक की आवाज लाखों करोड़ों सतपाल मलिक की आवाज बनेगी। जनता को सरकार को मौत तोड़ जवाब देना चाहिए। जाति धर्म और लालचों को त्याग करके उनको ध्वस्त करें, लोकतंत्र को बचाने के लिए ईमानदारी का साथ दें, किसानों के आंदोलन का साथ दें,